नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। नेशनल क्रिकेट अकादमी के नए भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। राहुल द्रविड़ के बाद अब वीवीएस लक्ष्मण ने उनकी जगह ली है। अब भारतीय क्रिकेट का कल वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में होगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने 13 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट डायरेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। बीसीसीआई ने पिछले ही महीने लक्ष्मण को एनसीए क्रिकेट बोर्ड का हेड बनाया था। वे राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे, जिन्हें भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया है। राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 और भारतीय ए टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य करने के बाद साल 2019 में एनसीए हेड का पद संभाला था। लक्ष्मण से भी यही उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद से भी अपने मेंटोर के तौर पर जुड़ चुके हैं। वे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में 6 साल तक बल्लेबाजी सलाहकार भी रहे हैं। लक्ष्मण पहले इस पद को संभालने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन्हें इसके लिए मना लिया। वीवीएस लक्ष्मण ने एनसीए के अपने पहले दिन की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की। लक्ष्मण ने लिखा कि वे नई चुनौती को स्वीकार करने और भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर काम करने के लिए उत्सुक हैं। एनसीए के कार्यकाल में पहला दिन एक रोमांचक नई चुनौती भविष्य के लिए उत्पर और भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ काम करने के लिए। भारत के पूर्व क्रिकेटर के पास काफ़ी अनुभव है। पहले द्रविड़ ने एनसीए में युवा प्रतिभाओं को तैयार किया था। नए क्रिकेटरों के निर्माण में उनका प्रयास इससे भी समझा जा सकता है कि विराट और रोहित जैसे दिग्गज के अलावा भारत के पास वर्तमान में एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है। उस ट्वीट के बाद भारतीय क्रिकेट के तमाम दिग्गज खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आर अश्विन से लेकर इरफान पठान तक सभी ने लक्ष्मण को उनके नए भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी। अश्विन ने ट्वीट किया, शहर में नया टीचर, गुड लक लच्ची भाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।